हेलो हमारे रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है इनकम स्टेटमेंट का। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट की थ्योरी पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि इनकम स्टेटमेंट होता क्या है। आज हम एक सवाल को सॉल्व करेंगे कि उसकी मदद से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है और उसकी पूरी वर्किंग किस तरह से होती है। सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा देता हूँ। इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी के पूरे साल के या पूरे महीने के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। हमने ये देखना होता है कि पूरे साल में कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। इट्स मीन दिस इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी कंपनी होगी उसका नाम आएगा, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे IBS कंपनी लिमिटेड है, हमने एक ही कंपनी का नाम रखा हुआ, अपनी सारी वीडियोज़ के अंदर हमने वही नाम को मेनटेन किया हुआ है। तो IBS कंपनी लिमिटेड हमारे पास कंपनी का नाम आ जाएगा। उसके बाद जो टॉपिक, जो काम हम कर रहे हैं, यानी कि इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो इनकम स्टेटमेंट और उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2020 मैंने यहाँ लिया हुआ है। यहाँ पे कुछ भी ईयर, कुछ भी डेट हो सकती है, लेकिन नॉर्मली ये साल के आखिर में बनती है। या तो ये जून में बन रही होगी, 30 जून में, या ये 31 दिसंबर में बन रही होगी, या कभी भी बन सकती है। लेकिन आपने हमेशा यहाँ पे इसको नोट करना है, अगर आप फर्स्ट ईयर के या बीकॉम के स्टूडेंट हैं, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड आएगा। अगर प्रैक्टिकली देखें, प्रैक्टिकली किसी कंपनी के अंदर ये हर महीने जो है इनकम स्टेटमेंट बन रहा होता है, तो वहाँ पे फॉर द मंथ आ रहा होता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर को जो है वो स्टडी करते हैं, उसके बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको राइट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि हमने रेवेन्यू कितना कमाया। अब सबसे पहले रेवेन्यू आपके सामने लिखा हुआ है सेल्स। रेवेन्यू क्या होता है पहले इसको समझ लें। रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि हमारी कंपनी ने पूरे महीने या पूरे साल में कितने पैसे कमाए, हमारी रेवेन्यू कितने हैं। देखें, सबसे पहले आपने अगर कैलकुलेशन करनी है कि मुझे लॉस कितना हुआ, मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, सबसे पहले देखें कि मेरे पास पैसे आए कितना। इस सवाल के मुताबिक हमारे जो रेवेन्यूज हैं, हमारी जो सेल हुई है एक साल में, वो 5 लाख रुपए की हुई है। और इसके बाद ये देखें साइड पे लिखा हुआ लेस। जब भी आप कोई कैलकुलेशन करेंगे, कुछ भी वर्किंग करेंगे, ऐड कर रहे होंगे या लेस कर रहे होंगे, आपने इनकम स्टेटमेंट में साइड पे लिखना लाजमी होगा। ठीक है, लेस का मतलब है कि हम सेल रिटर्न को यहाँ से माइनस कर रहे हैं। सेल रिटर्न का मतलब ये होता है, मैंने जो चीज़ सेल आउट की थी 5 लाख रुपए की, उसमें से 10,000 रुपए का सामान रिटर्न हो गया। रिटर्न होने की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, हो सकता है वो सामान ख़राब निकल आया था या एक्सेस चला गया था, ज़्यादा चला गया था, तो उन्होंने हमें रिटर्न कर दिया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारी जो नेट सेल्स आ रही है वो 4,90,000 की आ रही है, 490 की आ रही है। अच्छा, इसमें अगर सेल डिस्काउंट आ जाता, मैंने यहाँ पे इस सवाल के अंदर ये था नहीं तो इसलिए मैंने नहीं लिखा इसको, अगर सेल डिस्काउंट आ जाएगा तो आप यहीं से इसको माइनस भी करेंगे, यानी कि सेल में से सेल रिटर्न भी माइनस करेंगे और सेल डिस्काउंट भी माइनस करेंगे। इसके बाद जो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी वो नेट सेल आ जाएंगी। अच्छा, इसमें एक नोट कीजिएगा, इसके अंदर मैंने अगर देखा जाए तो 3 कॉलम्स बनाए हुए हैं। मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो कैलकुलेशन है उसकी तरतीब ठीक रहे। अगर आपकी कैलकुलेशन की तरतीब ठीक नहीं रहेगी तो आप खुद ही इसमें कंफ्यूज रहेंगे और आपकी वैल्यूज़ प्लस माइनस ठीक तरीके से नहीं होंगी। ये देखें, मैंने अगर 3 कॉलम बनाए हैं, अगर आप सपोज करें मेरे पास 3 कॉलम है, मैंने RS मतलब रुपीज़ लिखा हुआ है, पाकिस्तानी करेंसी में हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आप डॉलर्स में करेंगे तो यहाँ डॉलर का साइन आएगा, अगर आप धर्म में करें तो धर्म यहाँ का साइन आ जाएगा। तो पहला कॉलम मैंने बिल्कुल ब्लैंक रखा हुआ है, इसकी रीज़न आपको आगे जाके मालूम हो जाएगी। सेकेंड कॉलम के अंदर मैंने वर्किंग की है और थर्ड कॉलम के अंदर मैंने इसकी टोटलिंग की हुई है। जब भी ये याद रखिएगा, इनकम स्टेटमेंट वाले टॉपिक के अंदर हमारा आखिरी कॉलम तब यूज़ होता है जब हम टोटल कर रहे होंगे, अदरवाइज ये यूज़ नहीं होता, यानी कि नेट बैलेंस। अब देखें, मैंने यहाँ पे जो कैलकुलेशन की है वो नेट सेल्स की है, मेरी टोटल सेल्स कितनी हुई तो मैंने यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर दी। अब इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा अब हम इसको यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम चलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसे कहते हैं, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है कि हमने जो चीज़ बना के बेची है इसके ऊपर हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है, हमारी लागत कितनी आ रही है। अगर मैं एक प्रोडक्ट 4,90,000 की बेच रहा हूँ, मुझे ये देखना है कि वो बनी कितने की, तो उसके लिए हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की सारी वर्किंग करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपने देखना होगा कि आपके पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग कितनी है, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग को हम लिखेंगे सेकंड कॉलम के अंदर। इसको क्यों लिखेंगे भी आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम के अंदर भी देखें, परचेजेस ट्रांसपोर्ट इन परचेज डिस्काउंट, ये 3 चीज़ें आ रही हैं। देखें, आपने सामान आपके पास इतना मौजूद है, आपके पास 1 लाख रुपये की इन्वेंट्री मौजूद थी, आपके पास टारगेट ज़्यादा आया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, मार्केट से परचेजिंग करेंगे, सामान और ख़रीदेंगे।
आप मार्केट गए, आपने मार्केट से 1 लाख रुपए का सामान और परचेज कर लिया, लेकिन जब सामान आप अपनी फैक्ट्री में या अपनी कंपनी में लेकर आ रहे थे तो उसके ऊपर कुछ ट्रांसपोर्ट का किराया भी लगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। जाहिर सी बात है, आप उसको हाथ में उठाकर तो नहीं लेकर आएंगे इतने सामान को, आप किसी सुजुकी में किसी गाड़ी में लेकर आएंगे, तो 20,000 रुपये का आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई। फिर इसके बाद हम उसे ऐड कर देंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, और इसके बाद परचेज डिस्काउंट और परचेज रिटर्न अगर होता, मिसाल के तौर पर आप सामान खरीद के लेकर आए, कुछ सामान ख़राब निकल आया, तो आप क्या करेंगे, आप उस सामान को रिटर्न करवा देंगे। आप सामान खरीद के लेकर आए लेकिन उसमें आपको कुछ डिस्काउंट मिल गया तो वो इसमें से माइनस करेंगे, परचेज डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है। अब आपके पास 1 लाख रुपये आ रहे हैं, यहाँ पे 1 लाख आपने सामान खरीदा, 2,000 रुपये इसके आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई, 1,000 रुपये का आपको डिस्काउंट मिला। अगर आप इन तीनों को प्लस माइनस करें, 1 लाख में प्लस करें 2,000 रुपये तो 1,02,000, माइनस करें 1,000 तो 1,01,000 रुपये बन रहे हैं। इसे टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद नीचे लाइन लगाएंगे। अकाउंटिंग के अंदर जो अंडरलाइन किया जाता है किसी भी अमाउंट को, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो टोटल हमारे पास ये आ रहा है, इट्स मीन कि ये ऊपर से आ रहा है, इसकी कैलकुलेशन ये है। अब 1,01,000 रुपये जब हमने इसका टोटल किया, उसको हमने सेकंड कॉलम में लिखना है। सेकंड कॉलम में इसलिए लिखा जाएगा कि फर्स्ट कॉलम के अंदर हमने इसकी वर्किंग की है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का सारा काम हम सेकंड कॉलम में कर रहे हैं, लेकिन उसकी वर्किंग जो है फर्स्ट कॉलम में हमने परचेजेस की है। जब भी जो वर्किंग करेंगे वो फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम में करेंगे और थर्ड कॉलम में उसको पोस्ट करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम का जो भी टोटल आ रहा है सेकंड कॉलम में लिख दिया, इट्स मीन के मेरे पास मैंने जो सामान खरीदा वो 1,01,000 रुपये का था। यहाँ देखें आप, तो जो नेट परचेजेस हैं, तो नेट परचेजेस जो टोटल मैंने जो पैसे खर्च किए सामान खरीदे में, वो मेरा लगा 1,01,000 रुपये। 1 लाख रुपये का सामान पहले से मौजूद था, ठीक है। आप इन दोनों को प्लस कर दें, 1 लाख का सामान मौजूद था, 1,01,000 रुपये का मैंने सामान और खरीदा, टोटल कितने का हो गया 2,01,000 रुपये का। इट्स मीन दिस इज कॉल्ड गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये सामान मेरे पास अवेलेबल है सेल होने के लिए, ठीक है, ये सामान मेरे पास अवेलेबल है, अब मैं इसको बेच सकता हूँ, इतना सामान मैंने तैयार कर लिया अपनी फैक्ट्री के अंदर। लेकिन अब ये देखना है क्या हमारी प्रोडक्ट सारी की सारी सेल आउट होती है या नहीं होती। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी प्रोडक्ट साल के आखिर में या महीने के आखिर में सारी ज़ीरो हो जाए, कुछ ना कुछ सामान आपके पास बच जाता है। इसे कहते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, ठीक है। तो हम इस सवाल के मुताबिक हमारे पास जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग आ रही है वो 1,01,000 रुपये आ रही है, तो लेस कर देंगे जो भी आपने वर्किंग की होगी उसमें से 1,01,000 रुपये माइनस करें, 2,01,000 थी, 1,01,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो भी अमाउंट आएगा वो आएगा 1,00,000 रुपये। इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,00,000 रुपये। हमने जो सामान 4,90,000 रुपये का बेचा, इसको बनाने में इसकी जो कॉस्ट आई, प्रोडक्ट कॉस्ट, वो आई 1,00,000 रुपये। अब 4,90,000 रुपये का मैंने सामान बेचा, उसके ऊपर मेरा खर्चा आ रहा है 1,00,000 रुपये का, तो बाकी जो बच जाएगा ये कहलाएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। ये देखें, ये आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है आपका प्रॉफिट है, आपकी कंपनी ने इतने पैसे कमाए हैं लेकिन अभी खालिस हालत में मौजूद नहीं है, यानी कि अभी इसके अंदर से कुछ चीज़ें हमने और माइनस करनी हैं। ग्रोस का मतलब होता है कि इसके अंदर कुछ चीज़ें अभी शामिल हैं, हम उसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये है ग्रॉस प्रॉफिट। अब लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब ये हमारे पास एक्सपेंस का पोर्शन आ गया, ये हमारे पास रेवेन्यू का पोर्शन था, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का था, और ये हमारे पास है एक्सपेंसिस का पोर्शन। एक्सपेंसिस का मतलब ये होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस किसे कहते हैं, ऑपरेटिंग का मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे होते हैं वो किसी न किसी प्रोसेस से गुजरती है, यानी कि आपको फैक्ट्री के लिए कंपनी के लिए कोई जगह चाहिए, हो सकता है आपकी अगर अपनी जगह नहीं है तो आपने वो रेंट पे ली होगी, उसका रेंट पे करेंगे, आपके पास लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज पे करेंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, यूटिलिटीज़ के बिल आते हैं वो आप पे करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हर कंपनी के वेरी करते हैं, हो सकता है टेक्सटाइल वालों के कुछ और हों और दूसरी कंपनी से कुछ और हों, तो ये वेरी करते हैं, हर कंपनी के अलग अलग होते हैं, कभी ज़्यादा और कभी कम होते हैं, ये फिक्स नहीं होते। तो अब सेकेंड स्टेप के अंदर, थर्ड स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको माइनस करेंगे। फर्स्ट सैलरीज एक्सपेंसेस, सैलरीज एक्सपेंसेस जिस तरह हम लोगों ने पहले इसकी थोड़ी सी वर्किंग की थी उसके अंदर ये आ रहा था कि कुछ सैलरीज पहले से डिसाइड हुई होती है, जिस तरह अभी देखें ब्रैकेट के अंदर मैंने 10,000 लिखा प्लस 5,000 लिखा हुआ यहाँ पर। ये वर्किंग आपको क्वेश्चन देख के करनी पड़ेगी। इस सवाल के मुताबिक ये था कि हमारे जो सैलरीज के एक्सपेंसेस है वो 10,000 रुपये थे, हमने सोचा था कि हमारे जो हमने जो सैलरीज पे करनी है वो 10,000 रुपये पे करनी है,
लेकिन साल के आखिर में जब हम एडजस्टमेंट करने के लिए बैठे तो पता चला हमने 5,000 रुपये और पे करनी है, तो लिहाजा हम इन दोनों को प्लस करने के बाद यहाँ लिख देंगे। अब जो हमें सैलरीज पे करनी है वो 15,000 रुपये पे करनी होगी। सेकंड, रेंट एक्सपेंसेस। रेंट एक्सपेंसेस हमने साल के शुरू में सोचा था कि 12,000 रुपये होंगे, हो सकता है कि हमने अपने लैंडलॉर्ड को ये 12,000 रुपये एडवांस दे दिया। साल के आखिर में आए तो पता चला 2,000 रुपये बच गए, तो एक्चुअली एक्सपेंस कितना हुआ, वो 10,000 रुपये हुआ। इसी तरीके से यूटिलिटी बिल्स एक्सपेंसेस, इसमें कोई वर्किंग नहीं है तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस को डायरेक्ट लिख दिया, और इसके बाद इन सब का टोटल करेंगे हम। टोटल करने के बाद जो भी टोटल आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 43,000 को हम यहाँ लिखेंगे, और आपको जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, हमने 3,90,000 रुपये कमाए थे, उसमें से इतने खर्चे और हुए, हमने लोगों को सैलरी दी, रेंट पे किया, डेप्रिसिएशन पे किया, तो अब जो नेट इनकम है हमारे पास वो आ रही है 3,47,000 रुपये, 347,000। दिस इज कॉल्ड नेट इनकम। इनकम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के अंदर आपने यहाँ तक सवाल को सॉल्व करना होता है। अगर आपका, हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपका नेट इनकम हो, ये नेट लॉस भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इस सवाल को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी मुनाफे में है या नुकसान में। अगर आप किसी कंपनी के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कंपनी फ़ायदे में है या नुकसान में, तो आप उसके इनकम स्टेटमेंट को उठाएं, बैलेंस शीट को उठाएं और उसको स्टडी करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कंपनी फ़ायदे में या नुकसान में। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो हमारे स्टेप्स हैं वो अपने रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करने के बाद आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना है, फिर देखें आपका या तो नेट इनकम आ रहा होगा या नेट लॉस आ रहा होगा।